प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म उत्सव को इंदौर में महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 2 के अटल खेल परिसर में 5 दिवसीय टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसके शुभारंभ अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में परेड निकाली गयी। आयोजन में प्रमुख रूप से पहुंचे क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला ने बताया कि विभिन्न शहरों से आई टीमों के खिलाड़ियों द्वारा टूर्नामेंट में सतत प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं टूर्नामेंट करवाने वाले प्रमुख अंकित यादव ने बताया कि करीब 5000 खिलाड़ी इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं, जिसमें 500 से अधिक टीम हिस्सा ले रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, गुना, बैतूल, देवास, धार, खरगोन आदि तमाम शहरों से टीमें भाग ले रही हैं। खेलों की गतिविधियां यहां पर प्रारंभ की गई है। यहां पर टूर्नामेंट होंगे, यहां पर विभिन्न प्रतियोगिता होंगी खेलों की। ये 5 दिन का तक चलने वाला ये आयोजन अटल खेल महोत्सव के नाम से यहां पर हर साल मनाया जाता है। तो अंकित यादव और उनकी पूरी टीम इस आयोजन बहुत अच्छे से करती है, और ये क्षेत्र का अटल खेल परिसर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल मैदान है। तो यहाँ पर हमेशा रोज ही कोई ना कोई हर गेम की गतिविधियाँ चलती रहती है, पर साल में हम एक बार अटल जी के जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर अटल खेल उत्सव महोत्सव मनाते हैं, और इससे खेल की जितनी सारी गतिविधियाँ होती है वो हम सब करने की कोशिश करते हैं। ये स्वर्गीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 78 स्थित विजयनगर में अटल खेल परिसर बना। यहाँ पे अटल खेल महोत्सव का आयोजन विगत 2 वर्षों से किया जा रहा है। यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला जी, विधायक आकाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में होता है, और वरिष्ठ पार्षद मुन्नालाल यादव जी इसके संरक्षक रहते हैं। यह आयोजन में 7 खेलों का मुख्य रूप से खेल किया जा रहा है, जिसमें कि वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्केटिंग, स्केटबोर्डिंग जैसे मुख्य गेम करे जा रहे हैं, और इसमें तकरीबन 5000 बच्चों ने हिस्सा लिया है, और ये सभी ने आज मार्च फास्ट करके सभी अतिथियों का स्वागत करा, उनको परेड में सलामी दी, और उसके साथ ही यहाँ से एक पैदल मार्च, सभी लोगों को जागरूकता मार्च निकाला गया।